नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करना चाहिए। सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी बातों को वैल्यू नहीं कर रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। बाहर में जाओ यार, तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं गए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? मैं ऐसा क्या करूं कि वो वैल्यू करने लग जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि वो तुम्हारे लिए पागल हो, तुम्हारे पीछे पड़े? इसके ऊपर हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी खुद की वैल्यू आपके नजर में कितनी है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। देखो, मैं ये इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको मिलेगी ना, साइंटिफिक एंड लॉजिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से मिलेगी, मतलब बिल्कुल ट्रुथ, कोई वो ड्रामेबाजी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो, आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है ये बंदा, इसको कैसे पता चला, आपको ये फील होगा। तो मेरा ये पहली बात ये है कि आपके खुद के नजर में आपकी कितनी वैल्यू है, आप अपने आप को कहां पर रखते हो, आप अपने आप को कहां पर देखते हो, आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो। क्योंकि आप अपनी वैल्यू अगर करोगे, अपने आप को जानोगे, समझोगे, पूछोगे, प्यार करोगे, पुचकारोगे, तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाली जो इंसान है वो आपको वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे पता चला कि वो नहीं कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी वैल्यू कर रहे हैं, उनसे आपका दिमाग उस बंदे के मतलब वैल्यू करने को कंपेयर कर रहा है, और तब उसको लग रहा है कि ये कंपेयर कम कर रहा है, या फिर जितना वैल्यू वो पहले करता था उससे आपका दिमाग अब उसको कंपेयर कर रहा है, और उस कंपेरिजन में अब वो वैल्यू कम कर रहा है। तो ऐसे हम जानते हैं। तो आपके नजर में आपकी खुद की वैल्यू कितनी है, ये सबसे पहले आप जज करो, ऑब्जर्व करो। दूसरी बात कि सामने वाला प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पर है और उसको आपको नीचे करना है। मतलब कि आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सामने वाला कहां पर है। जैसे आपने आपके लाइफ में एक प्रायोरिटी लिस्ट है, भाई नंबर वन पे मेरा प्यार है, नंबर टू पे मेरे पापा मम्मी, थर्ड पे भाई बहन, फोर्थ पे फलाना ढिकाना, फिफ्थ पे सागर। ओ तो प्रायोरिटी जो आपने बना रखी है उसमें सबसे नंबर वन पे आपने पार्टनर को अपने रखा है, उसको नीचे करो, उसको नीचे लाने की जरूरत है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में उसको थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे दो। जब आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे करोगे ना, तो नीचे करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रही है वो वैल्यू आपको आपके लिए ठीक ठाक लगने लगेगी। समझो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कि अभी वो नंबर वन पर है तो मुझे नंबर वन वाला वैल्यू चाहिए, नंबर वन वाला प्यार चाहिए, नंबर वन वाला मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन जब वो प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर पे आ गया है, तो आप तीसरे चौथे नंबर के लेवल का ही आप उससे प्यार, मतलब कोशिश करोगे कि उससे उस लेवल का प्यार मिले, वही आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, वही आप एक्सपेक्ट करोगे, वही वैल्यू आप एक्सपेक्ट करोगे। तो प्रायोरिटी लिस्ट को नीचे करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में उसको नीचे लाना है, कम पे लाना है। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका खुद का ज्यादा होना चाहिए। देखो, आप अगर हो तभी आप उसको अपने पीछे भगाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो आपको वैल्यू करे ऐसा आप चाहते हो। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है और आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपको सराखों पे रखे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी। देख, तेरे पीछे मैं नहीं भागूंगी, तू मेरे पीछे भागेगा और देख कैसे भागता है। ये वाला माइंडसेट आपको रखना है, ये वाला एटीट्यूड रखना है, ये वाला विल पावर रखना है, तभी चीजें काम कर पाएंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट अपना एकदम बूम पे रखो, बूम पे मतलब जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट है, कोई भी बंदा अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा तभी तुमसे प्यार करेगा। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, तो प्यार नहीं हो सकता, ये फैक्ट है, मान लो। सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, पहले मैं खुद हूं उसके बाद तुम हो। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रायोरिटी लिस्ट में वो तीसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आप खुद को रखो, उसके बाद दूसरा तीसरा तय करो। पहले नंबर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, पहले नंबर पे मैं खुद हूं, ये होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बूम पर, तब देखो वो कोई भी पागल होगा, वो क्या कोई भी पागल होगा। द नेक्स्ट वन इज सामने वाले को ये फील कराओ कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं आपके लाइफ में जो आपको करनी है। इस कंडीशन में जो थंबनेल है, जो टाइटल है, इस कंडीशन में कि भाई जो जब कोई आपके प्यार की वैल्यू ना करे, उस कंडीशन में सामने वालों को आप हमेशा ये फील कराओ, अपने पार्टनर को ये फील कराओ कि देख भाई तू जो है फाइन, यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर स्पेशल, आई अग्री, लेकिन मेरे लाइफ में और भी चीजें हैं। जैसे मैंने प्रायोरिटी की बात करी कि प्रायोरिटी में पहले कोई और है, मॉम डैड,
तुम खुद, भाई बहन, उसके बाद तुम हो, भाई खून तो खून होता है ना। तो ये वाले सिस्टम से अगर आप चलोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू वो करेगा, पीछे वो भागेगा। थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर रखना ही होगा अगर सामने वाले को पीछे भगाना है तो। तो आपको सामने वाले को हर मतलब जब भी बात होती हो, मैसेज में बात होती हो, मिलते हो, कहीं भी कैसे भी, ये हमेशा फील कराना है कि देख तू इंपॉर्टेंट है, लेकिन तेरे से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे लाइफ में जिन्हें मुझे देखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज एक टेक्निक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो आप करोगे इन सारे चीजों को ठीक करने के लिए, वो टेक्निक है सेल्फ लव वाली। मेरी वीडियोस में आप जाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेलिस्ट में, आपको सेल्फ लव का वीडियो मिल जाएगा, उसमें जो टेक्निक बताया गया है। अपने आप से प्यार जब करोगे तो सामने वाला वैल्यू क्या सब कुछ कर देगा तुम्हारे लिए, लेकिन अपने आप से प्यार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने आप से प्यार करना जो है ना, मतलब कि आप अपने आप को पहले पूछो, अपने आप को पहले जानो, अपने आप को पहले समझो, अपने आप को पहले पुचकारो, अपने आप को पहले हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, फीलिंग वे, हर तरीके से अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, अपने आप को पहले जानना है, अपने आप को बहुत प्यार करना है। उसके बाद सामने वाला क्या, सामने वाले का बाप भी आपको प्यार करेगा। आप ये शुरू तो करो, जो मैं कह रहा हूं वो शुरू तो करो। तो गाइज नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती हैं। आप कमेंट में अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो फॉर पर्सनल सेशंस एंड कोर्सेज। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम सागर द मोटिवेटर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।